राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर सिंडिकेट की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 दिन पहले एवीवीपी से हुए समझौते की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद एवीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सिंडिकेट की बैठक के अनुसार स्नातकोत्तर विभाग में द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। वहीं संघटक महाविद्यालयों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में जिस भी नियमित विद्यार्थी ने परीक्षा दी है, वहीं प्रथम वर्ष 2022-23 के अध्ययनरत सभी विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होंगे, जबकि विधि महाविद्यालय के प्रथम द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थी जिन्होंने 2021-22 में परीक्षा दी है, वे छात्र संघ चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। वहीं पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होंगे, लेकिन 10वें सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी पंचवर्षीय महाविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वह केवल मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि वह राजस्थान विश्वविद्यालय अपेक्स बॉडी के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। सिंडिकेट बैठक के लिए गए निर्णयों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होना अनिवार्य होगा। अगर वह 2022-23 में किसी भी कारण विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी नहीं रहते हैं तो छात्र संघ में उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर कोई विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव लड़ता है, इसके साथ ही उसका परीक्षा परिणाम अभी लंबित है, ऐसे में वह विद्यार्थी परीक्षा में रुसु संविधान के अनुसार उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो छात्र संघ में उसका पद अपने आप ही समाप्त माना जाएगा। वहीं चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ सभी नियमों के पालन के लिए भी एक शपथ पत्र भी देना होगा। एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता 6 जून को टंकी चढ़कर एडमिशन 100% करके और चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार देने की मांग कर रहे थे, जिस पर परेशान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीजी एंट्रेंस टेस्ट देने और यूलेट की एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का आश्वासन दिया था। लेकिन इन बिंदुओं पर बुधवार को हुई बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार ने आम छात्र के साथ धोखा किया है, जिसका करारा जवाब दिया जाएगा। हम लाठी और जेल के डर से चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि अब हम पहले से ज्यादा ताकत के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे ताकि आम छात्र को उसका हक दिला सकें। बता दें कि एबीवीपी के मनु दाधीच, राहुल मीणा और नरेंद्र यादव छात्र संघ चुनाव में 100% मतदान की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। ऐसे में सिंडिकेट के फैसले के बाद अब यह तीनों ही छात्र संघ चुनाव में आए हो गए हैं।